इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है ट्रोजिड। ट्रोजिड टैबलेट्स आती हैं और इसमें जो मेडिसिन है दैट इज ट्रोस्पियम क्लोराइड। जाइडस फार्मा की ये प्रोडक्ट है, स्पेसिफिकली इस्तेमाल होती है ओवर एक्टिव ब्लेडर में। अब इस बीमारी को ज़रा समझिए, ओवर एक्टिव ब्लेडर से मुराद है कि जो ब्लेडर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है। ब्लेडर में होता है यूरिन। अगर अभी ब्लेडर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी एक पर्सन को यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, अभी हर घंटा दूसरे घंटे में यूरिन की प्रॉब्लम आएगी, तो आप कभी क्लास में बैठे होंगे, या आप टीचर हो, क्लास ले रहे हो, या किसी ऑफिस के अंदर मीटिंग अटेंड कर रहे हो, या कहीं बैलेंस शीट बना रहे हो, फाइनेंस का मसला चल रहा है, कोई भी ज़रूरी काम कर रहे हो और बार बार आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होगा, आपका नॉर्मल फंक्शन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। आप कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे क्योंकि या तो ट्रैवल कर रहे हो या ड्राइविंग कर रहे हो, बार बार ट्रैवलिंग में आपकी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है ओवर एक्टिव ब्लेडर से। अभी होता क्या है, आपका ब्लेडर है स्मूथ मसल, तो आपने अपने स्मूथ मसल को रिलैक्स करवाना होगा, उसके लिए ड्रग का इस्तेमाल करते हो जो कि ट्रोस्पियम है। अभी स्मूथ मसल में तो स्टमक भी आता है और इंटेस्टाइन भी आती हैं, तो वो भी रिलैक्स हो जाएंगी। तो यानी कि जब आप इस्तेमाल करोगे ट्रोजिड का, चाहे 20 mg इस्तेमाल करो, दिन में एक बार या दो बार भी इस्तेमाल कर सकते हो, अभी होगा कि आपका स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएगा और यूरिन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो तकरीबन 8 से 10 घंटे 12 घंटे आपके रिलीफ में गुजरेंगे और आपको यूरिन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बात याद रखिए, इसकी वजह से ड्राई माउथ भी होता है और कॉन्स्टिपेशन भी होती है। कॉन्स्टिपेशन इसलिए होती है कि इंटेस्टाइन तो रिलैक्स करवा दी, वो तो स्मूथ मसल था जो कि रिलैक्स है। तो अगर एक बंदे को पहले ही कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम चल रहा है तो वो इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करता, या अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से लाजमी मशवरा करता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर बढ़ गई है तो उससे ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, जिससे मज़ीद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो ये मसला है, दूसरा मसला है कि गैस्ट्रिक रिटेंशन हो सकती है, यानी अगर आपकी गैस्ट्रिक GIT में कोई ऑलरेडी फूड है वो रिटेन हो जाएगी, एलर्जी की कंडीशंस भी डेवलप हो सकती हैं। तो इस ड्रग का इस्तेमाल ऐसी कंडीशन में नहीं करते, या अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से मशवरा लाजमी करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।